गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद भाभी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कटहल। कटहल बनाने के लिए हमने यहाँ पे कटहल को कट करके रख लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर कटहल को उबालेंगे। कटहल को उबालने के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है। पानी में मैंने थोड़ी सी मिक्स की है हल्दी। कटहल को हम इसलिए उबालते हैं ताकि वो जो बाद में बनने के बाद कच्चापन रह जाता है वो ना रहे। अब मैंने पानी में डाल दी है कटहल। कटहल डालने के बाद मैं इसको चला दूंगी तो उसका कुछ कलर ऐसा हो जाएगा गाइस। और अब हम इसको थोड़ी देर पकने देते हैं जब तक ये अच्छे से उबल ना जाए। अभी हम कटहल को 5 से 10 मिनट तक उबालेंगे ताकि हमारी जो कटहल है कच्ची ना रह जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे कटहल में उबाल आ चुका है, ये थोड़ी थोड़ी पक भी गई है। चलो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसको छालनी में एकदम बाहर निकालने के लिए तैयार किया हुआ है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैंने पूरा जो कटहल है इस बाउल में मैं निकाल लूँगी। कटहल को निकालने के बाद हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। इस तेल में हमें क्या करना है, जो हमने कटहल उबाली है उसको फ्राई करना है। तो मैंने सारी जो उबली हुई कटहल है मैंने इसमें तेल में डाल दी है ताकि अच्छे से मैं फ्राई कर सकूँ। तो इसको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको गाइस, यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है आपको लो ही रखनी है ताकि जो हमारी कटहल है जल ना जाए। तो चलिए मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो यस, आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है एकदम गर्म हो चुका है और हमारी जो कटहल है एकदम तलनी हो गई है शुरू। तो ऐसे ही हम इसको 4 से 5 मिनट तक करेंगे ताकि अच्छे से एकदम भुन जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं कटहल हमारी भुननी शुरू हो चुकी है। तो इसको आपको यहाँ पे लगातार चलाते रहना है ताकि जो कटहल है कढ़ाई में जल ना जाए। तो यस, मैं इसको अभी 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। मैंने जो कटहल है कढ़ाई से बाहर निकाली थी गाइस, तो हमने जो बचा हुआ तेल था अब हम उसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। तो यस, यहाँ पर मैं प्याज भून रही हूँ। यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है आपको लो ही रखनी है ताकि जो हमारा प्याज है जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा भुनना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन मैंने यहाँ पर कट करके डाला है छोटे छोटे पीसेस में। तो मैं इन दोनों को अच्छे से पका लेती हूँ गाइस। तो यस, आप देख सकते हैं हमारा जो लहसुन और प्याज का पेस्ट है बनना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ टमाटर। कटा हुआ नहीं है ये, मैंने इसको ब्लेंड किया हुआ है। तो यस, यहाँ पर मैंने ब्लेंड करके सब चीज़ रख ली थी, टमाटर वगैरह। तो मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो यस, आप देख सकते हैं गाइस जो हमारा टमाटर लहसुन और प्याज का पेस्ट है भुनना शुरू हो चुका है। तो फाइनली हमारा जो पेस्ट था एकदम भुन चुका है। तो मैंने इसमें यहाँ पर डाली है 3 कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। वो आपके स्वाद के ऊपर है कि आपको कैसे स्वाद खाना पसंद है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप अपने स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं गाइस। मैं तीखा खाती हूँ तो मैंने 2 स्पून लिया था। मैंने 1 स्पून इसमें ऐड किया है गर्म मसाला। गर्म मसाला डालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है गाइस ताकि हमारा जो इसमें पेस्ट है अच्छे से बन जाए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, वो भी आपको अपने स्वाद अनुसार लेना है इसमें गाइस। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है पानी ताकि जो हमारा मसाला है कढ़ाई में जले ना और ये अच्छे से पक जाए। तो यस, मैं इन सब मसालों को अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपको इसको लगातार चलाते रहना है ताकि जो हमारा मसाला है जल ना जाए और गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला था एकदम पक चुका है। मसाला पकने की सबसे बड़ी पहचान ये होती है जो भी इसमें तेल होता है वह उबल के ऊपर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस जो हमारा तेल है बहुत ही प्यार से ऊपर आ गया है। तो मसाला भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई कटहल जो कि हमने पहले फ्राई करके रख ली थी। तो यस, मैंने सारी जो हमारे पास कटहल थी वो मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब मैं सारे मसाले में इसको कटहल को अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो कटहल है एकदम मसाले में मिक्स हो जाए।
आपको इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। पूरा मसाला इसमें मिक्स करने के बाद गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारी केटल है वो मसाले में अच्छे से भुन जाए और ये अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है हम इसको पूरा तेल तेल में अगर बनाएंगे तो ये पूरी नहीं पक पाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें एक चम्मच पानी ऐड किया है और इसको मैं ऐसे चला लेती हूँ और हम इसको ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो यस, मैंने इसको ऐसे इसको चला के छोड़ दिया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। तो 5 मिनट बाद जो आपकी कटहल है गाइस वो एकदम ऐसे बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो कटहल है हमारे पूरी तरीके से पक चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइस ये कितनी ही लजीज लग रही है देखने में और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैंने यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल लो कर ली है, क्योंकि जो हमने पानी डाला था वो पूरी तरीके से सूख चुका है। अब ये सिर्फ तेल तेल इसमें रह गया है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कटहल बनने के बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी गाइस। तो आप देख सकते हैं ये कितने ही लजीज और स्वादिष्ट लग रही है देखने में। तो मैंने सारी कटहल इसमें निकाल ली है एक बाउल में। तो होप गाइस, मुझे आशा है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो। तो अगर गाइस आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अब तक अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें गाइस। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय।